अस्सलाम वालेकुम, साढ़े नाल इस वक्त नासिर राजा साहब जिहड़े ने मौजूद ने, पंजाबी जबान के बड़े खिदमतगार ने, बड़ी इन्हां दी खिदमत ने। और अस्सलाम वालेकुम राजा साहब, की हाल है? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र है। राजा साहब, मैं खुद तुहाडे फैनस दे विचों एक हाँ, और बड़ी मेहरबानी, और एक तुहाडी बहुत खिदमत ने, तो थोड़ा जिहा जरा दसना कि जिस टाइम एक तो रेडियो पाकिस्तान पहले हुंदा सी ना, तो जिस टाइम फिर एफ एम रेडियो का नवा नवा ट्रेंड स्टार्ट होया, फिर तुसीं जिहड़ा पंजाबी दे विच एक तुहाडा पंजाबी बीट एक प्रोग्राम लगदा हुंदा सी, तो थोड़ा बहुत दसो किस तरह सफ़र शुरू किया और किस तरह ख्याल आया कि अपनी माँ बोली नूं प्रमोट करना चाहिए। बड़ी मेहरबानी जनाब, मैं समझना कि जिहड़ा रेडियो एक ऐसा मीडियम है जिहड़ा इनफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट का बड़ा रोमांटिक मीडियम है, बड़ा इस सकून भी मिलता है, इनफॉर्मेशन भी मिलती है और एक रोमांस जहा हो जाता है। जिस तरह मैं कहना होना कि सफ़र के वास्ते ट्रेन का जो सफ़र है ना, वो बड़ा रोमांटिक होता है, इस तरह ही इनफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट का रेडियो एक बहुत रोमांटिक मीडियम है। तो असी तो एक बड़ी मामूली जी चीज़ हाँ, बड़ा कोई साड़ी कोई इतनी बड़ी खिदमात नहीं है, लेकिन अपने ते ही एक चिड़ी की कतरे की तरह पूछ लै कि असी भी अपना हिस्सा पाने की कोशिश की है, और एक कोशिश की है कि असी भी थोड़ा किसी सफ विच खड़े हो जाइए। किन्ना कीता है और तुसी दस सकते हो या साढ़े सुनने वाले दस सकते हैं, लेकिन मेरी जाती राय है कि कोई ज़्यादा असी नहीं कीता और एक हिस्सा पाने की कोशिश की। अच्छा, पंजाबी बीट से तुहानू जिस टाइम तुसी शुरू किया सी, कैसा रिस्पोंस मिलता सी उस टाइम? रिस्पोंस तो साड़ी मैनेजमेंट नू भी और मैनू भी साड़ी सोच तो ज़्यादा मिलिया सी, इन्नी लोगों ने मुहब्बत दी कि जिहड़ा असी कदी सोच भी नहीं सी सकदे, इतना ज़्यादा रिस्पोंस असी सोच भी नहीं सी सकदे। कि शुरू जब मैं प्रोग्राम शुरू किया तो उसले खतां दा दौर सी, ईमेल दा नहीं सी, मोबाइल दा इन्ना इस्तेमाल नहीं सी, तो असी बकायदा बोरियां भर के खतां दियां सानू आंदियां सन, मेरे प्रोग्राम लई आंदियां सन जिहड़ियां मैं लै के जाना सा, जिन्हां नूं पढ़ना ही बड़ा मुश्किल सी, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता सी कि पढ़ता सी, लोगों की मुहब्बत का इजहार होता सी, लोगों की पसंदीदगी का इजहार होता सी, जिसने मैनूं बड़ा मोटीवेट किया। लेकिन तुसी की समझते हो कि थोड़ी अफसोस वाली गल नहीं है कि होना तो यह चाहिए सी ना कि माँ बोली के हवाले नाल मजीद अगे कोई चैनल या कोई मीडिया वाले काम करते, लेकिन बड़े घट इस तरह के है ने कि जिन्होंने माँ बोली के हवाले नाल, एक पंजाबी चैनल इतने हुंदा सी अपना टीवी न्यूज़ का हुंदा सी, वह भी बंद हो गया। और असल कमर्शलिज्म का दौर है ना, हर बंदा उसको नाप तोल करता है पैसे दे विच, रुपए दे विच, डॉलर दे विच, ते इस वजह नाल वो चीज़ा जिहड़ियां रख रखाव वालियां सन, जिहड़ियां एक अपना फर्ज समझ के कीतियां जांदियां सन, या जिहड़ा एक समझा जांदा सी कि मैं भी अपना हिस्सा पढ़ा, वो खत्म हो गई ने, इस लई कोई ज़्यादा इस दे इनिशिएटिव नहीं लैंदा। लेकिन कुछ लोग अजे भी है ने जिहड़ी इन्हां चीज़ां तों बिल्कुल बालातर हो के, माली मफाद तों बालातर हो के वो काम कर रहे ने और करदे ने, वो लिखारी भी ने, वो मेरी तरह बोलने वाले भी ने, मेरी अला मेरी तरह पेंटर भी ने, सॉरी मैं पेंटर तो नहीं है, मैं मेरी तरह कह गया गाने वाले भी ने और सास बजाने वाले भी ने, ये सारे लोग अपना अपना हिस्सा पा रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों का रुझान जोड़ा ना उन्हें तरह हो गया कि माली मफाद कितों मिलेगा। अच्छा, के टू के उत्ते आके भी माशाल्लाह तुसी प्रोग्राम एक बड़ा वधिया प्रोग्राम किया, उत्थे फिर आके कैसा, क्योंकि रेडियो तो एक डिफरेंट टीवी चैनल जो होंगे वो एक मीडियम है, उत्थे कैसा रिस्पोंस रहा तुहाडा? अच्छा, वो भी मेरी सोच तो मैनूं अलहमदुल्ला ज़्यादा सी, क्योंकि टीवी दे विच लोग जिहड़ा ना आवाज़ तो ज़्यादा तवज्जो दे देन कि तुहाडा ड्रेस कैसा है, तुहाडा हेयर स्टाइल कैसा है, तुहाडा स्टेज कैसा है, तुहाडा बैकग्राउंड कलर्स कैसे ने, कि लोगों की तवज्जो ज़्यादा उधर रहती है। रेडियो की गल जिहड़ी है वो ज़्यादा असर करती है और दिल ते लगती है, लेकिन जदों टीवी दी स्क्रीन आउंदी है तो उहदे विच लोगों की तवज्जो बैकग्राउंड की तरफ होंगी, मतलब मुख्तलिफ चीज़ों पर आँदी है, खाली तुहाड़े ते नहीं आँदी, लेकिन इसके बावजूद भी लोग मेरी गल्लां सुनते सन, फिर मैं जब मुलाकात होती थी मैं दसते सन, उन्होंने गल्लां नूं दोहराते सन, तो मैं बड़ा अच्छा लगता सी। अच्छा, वैसे तुसी क्योंकि सीनियर सहाफ़ी भी हो, माशाल्लाह बहुत अरसा हो गया तुहानूं सहाफ़त दे विच, की समझते हो कि कीड़ी वजह है कि जिहड़े लोग ने जिन्हां कोल पैसे वगैरह आ जाते हैं या अलीट क्लास शामिल हो जाते हैं साढ़े जिहड़े पंजाब तों आउंदे ने, माँ बोली घट बोलते हैं? असल देखो, पैसा एक जरूरत तो है और उसका कमाना भी कोई ऐसी बुरी गल नहीं, ये भी शौक रखना कि मेरे को ज़्यादा पैसा हो ये भी कोई बुरी गल नहीं, लेकिन हर चीज़ को पैसे दे नाप तोल करना ये अच्छी गल नहीं है। तो बाकी जो गल की है कि ये देखो सारा कल्चर जोड़ा ना, कुछ लोगों ने अपने आप को उच्चा दिखाने वास्ते अपने आप को शो करने वास्ते उसको बड़ा दागदार करता है, कच्चे मकानों की जगह पक्के मकान आ गए, जिहड़े घर पंजाबी बोलते सन उर्दू अंग्रेजी से चले गए, अपनी माँ बोली जबान उन्होंने पिछे छड़ता, और लेकिन एक मैं देखा कि जिहड़े साढ़े पख्तून भाई ने वो अजे भी उसी तरीके अपनी जिहड़ी जबान है
ਉਸਨੂੰ ਇਤਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਸ਼ਤੋ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਇਤਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਰਦੂ ਵੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਦਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖੋ, ਬਟ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਉਹ ਨਾਤਾ, ਉਹ ਮੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।